पहले तो बच्चे हम जब अलग चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, वो खतरा रहता था। बर्तन साफ करने में भी बहुत ज्यादा टाइम जाता था। कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसमें सारा दिन चला जाता था, जिसमें हम एक दिन का मतलब एक टाइम का खाना भी पका नहीं पाते थे। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है, इससे हमें बहुत सहूलियतें हो गई, रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा। अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और शहरी में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। सर, यह समाज में रहन सहन के स्तर को आसान बनाने और गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ी जाति के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, इन सब महिलाओं को सशक्त बनाने में इसने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की। पहले कभी किसी सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों की महिलाओं की कोई सुध नहीं ली। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है, कंडा हाथ के लेकर तब चूल्हा जलाते धुआं उठता है, खांसी उठाती है, आंसू आ जाते हैं, रगड़ने लगा कांटा चुभ गया है। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को थोड़ा आराम देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पहले की सभी सरकारों से अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रही इन महिलाओं के आंसू पोंछकर उनके चेहरों पर सुकून की मुस्कुराहट दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 तक देश की 5,85,00,000 बीपीएल महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर उनकी जिंदगी से तकलीफों का धुआं दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया है, उससे हमें बहुत सुविधा उपलब्ध हुई है। पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, जैसे धुआं होता था, अब वो हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। बरसात के टाइम में जो भी हमें परेशानी होती थी, लकड़ी नहीं जलती थी, गीली हो जाती थी, तो हमें वो परेशानी नहीं है। अब आसानी से सर्दी गर्मी कभी भी आसानी से खाना बना सकते हैं। गैस मिले से बहुत सुविधा बा, उस समय में ना रहे तो बड़ा तकलीफ रहे, जरना के मेघ में भीग जाए, सूत रहे, खाना ना मिले, बाल बच्चा खावा नहीं खा। अब बढ़िया बा, खाना पीना सब सवेरे बनता, बाल बच्चा खाता, आदमी खाता, सब दिशा से सुविधा हो गल बा। गरीब के सुविधा होके गरीब आदमी बढ़ चले। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, धुम्मे में बच्चे भी भूखे रह जाते, बारिश आ जाती, कभी लकड़ी की परेशानी, कभी गुस्से की परेशानी। अब तो बहुत सहूलियत होगी जी, जब भी टाइम से स्कूल चले जाते हैं, खाना जल्दी बन जाता है। आप गैस पर बनाते थे, पहले चूल्हा पर बनाते थे, जरना पर बनाते दिक्कत होता था, धुआं लग रहा था, जरना भी आता था, बारिश में दिक्कत होता था। अब बनाते सारा पेपर लेके गए तो कनेक्शन किए तो कनेक्शन मिला, बड़ी हैरानी परेशानी हुए थे, गैस मिला। पहले बहुत परेशानी, अभी कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। चूल्हे से उठने वाला धुआं केवल खाना बना रही महिला को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उस धुएं में घुट रहे पूरे परिवार की सेहत पर खराब असर डालता है। अपने नागरिकों की सेहत के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने देश के 8 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश भर के एलपीजी कनेक्शन वाले सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव का उपयोग आपके जीवन में भी आना चाहिए, सिर्फ किचन में नहीं। ये सरकार आपके साथ चलना चाहती है, आपकी आशा आकांक्षाओं के अनुकूल चलना चाहती है।